It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह के बज गए 11:30। मैं उठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ सैलून प्लकिंग करवाने के लिए। अब्दुल्ला सो रहा है, शाहजैन भी उठ गया है और अभी ज़बरदस्ती अब्दुल्ला के पापा को भी उठा लिया है। तो अब सैलून जाऊंगी, जल्दी से प्लकिंग करवा के आऊंगी। मैंने थोड़ी सी इस जगह से ब्लीच करनी है क्योंकि मेरे सिर्फ यहाँ पर बाल हैं, तो यहाँ पर हल्का सा पॉलिशर अप्लाई करूंगी और फिर रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी लेट हैं, 11:30 तो बज गए, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हमने। वो कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन है, ये बताना कौन है। ओए गोए गोए, छुआ छुआ शहर। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है कि पिघलने वाला हाल हुआ। मैं किधर हूँ? हाँ जी, तो चले शॉपिंग करने। शॉपिंग नहीं, प्लकिंग करवानी है बस। चलो गाड़ी में बैठना, चले बेटी। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो रेडी गर्म गाड़ी गर्म हुई पड़ी है। चलो बैठो, एसी चलाओ। बंदो सर पे बंदो। पागल लगूंगी मैं सर पे। नहीं नहीं, बड़े प्यारे लग रहे हो। सही तरीके से बांधो। चौदह अगस्त नहीं मनानी। तो जी, सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज़ यहाँ तक कि हमने जश्न आज़ादी मनाया था, उसके बाद हम बिज़ी हो गए। बाय। तो जी, मैं सैलून पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सैलून भी विज़िट करवाऊंगी। ये मेरे एरिया में, मेरी सोसाइटी में ही सैलून है। देखिए, इन्होंने बड़ा एंटीक सा एंट्रेंस का डोर रखा हुआ है और अंदर से भी इनका जो इंटीरियर है वो अच्छा है। काफ़ी इन्होंने वुडन वर्क करवाया हुआ है और इंटीरियर ना एंटीक सा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा लगा मुझे इनका सैलून, और काफ़ी बड़ी खुली जगह पर बनाया हुआ था इन्होंने। ये वाला इनका एंट्रेंस का एरिया था और यहाँ पर ये प्लकिंग वगैरह और हेयर कट वगैरह करते हैं, और आगे जो इनका ये वाला पोर्शन था ये फेशियल वगैरह का था, और यहाँ पर मैनीक्योर पेडीक्योर था। और मतलब इन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ था, काफ़ी सारे रूम्स थे और उसमें इन्होंने डिवाइड किया हुआ ये था। नेल पेंट लगाऊंगी मेडोरा का, इसका नंबर है 220। और ये देखो परेशान हाल इंसान। मेरा ब्रेकफास्ट बाकी की पार्टी ब्रेकफास्ट का वेट कर रही है। और अब्दुल्ला का ब्रेकफास्ट है आज ये राइस। अब्दुल्ला खाएगा मीठे राइस। 14 अगस्त है, 14। ये लें जी, सारी तैयारी हो गई है। ये कपड़े हैं अब्दुल्ला के पापा के, ये बच्चों के हैं और ये मेरे हैं। वो क्लच मैंने लेकर जाना है और नेल कलर लग गया है। नेल कलर मैंने मरून कलर का लगाया, इस ड्रेस के साथ जो है वो मैच कर रहा था।
ओके जी, वी आर रेडी, हम जा रहे हैं। गर्मी इंतहा की है, इंतहा की है, इंतहा की है। मतलब हेलो करो, नहीं करो, नाराज हो आप है? जी हम निकल पड़े हैं जाने के लिए। हम तकरीबन 3 बजे ही घर से निकल गए थे क्योंकि हमें 4 बजे का टाइम बताया हुआ था, लेकिन हमने 4 बजे जाकर जो है वो तैयारी करवानी थी। अभी वहाँ पर सेटअप पूरा का पूरा लगने वाला है। मैं आपको जाकर पूरा सेटअप किस तरह बर्थडे का लगा ये सारी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे स्टेज डेकोरेट हुआ था, कैसे पूरा सेटअप लगा था वहाँ पर। फिर ऐसा होता है कि आप जैसे ही घर से निकलते हैं थोड़ी देर के बाद आपका जूता पूरी तरह से टूट जाता है। और अब आज क्योंकि 14 अगस्त है, चांसेस तो यही कि कुछ भी नहीं खुला होगा, लेकिन इस उम्मीद पे हम निकल पड़े हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई जूता अच्छा मिल जाएगा। हम जा रहे हैं लिबर्टी, पहले लिबर्टी से जूता लेंगे और फिर हम जूता, कोशिश तो की है एल्फी यूज़ की है जोड़ने की, लेकिन मैं ना इवेंट नहीं ख़राब करना चाह रही, है ना हो कि इवेंट के बीच में ही जूता जो है वो बेचारा हिम्मत छोड़ दे, तो इसलिए मैं जूता ढूंढने की कोशिश शुरू करने लगी। हाँ जी, तो बर्थडे की डेकोरेशन से पहले आप देख लें जी सड़कों पर 14 अगस्त की तैयारी। ये हम लिबर्टी चौक पे पहुँच गए हैं तकरीबन, और यहाँ पर इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, लोग बच्चों को लेकर आए हुए थे, गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, गाड़ियों में से बच्चे जो हैं वो बाहर निकल के इंजॉय कर रहे थे। देखें शीशे में से बच्चे बाहर निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। तो ये अब हम वेन्यू पर पहुँच गए हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं तैयारी। ये जो स्कूल बस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये फोमिंग शीट का बना हुआ है। और बाकी स्टेज अभी ये वाला, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये फोमिंग शीट नहीं होती है जो वाइट कलर की होती है जिसमें चीज़ें पैक करते हैं, ये उसकी बनी हुई है। और ये सेटअप सारा उतर है अभी लोडर में से, जो जिससे स्टेज की डेकोरेशन होनी है, स्टेज के छोटे छोटे से टेबल्स वगैरह हैं ये। और जो थीम है वो बर्थडे की, वो कोकोमेलन है। कोकोमेलन कार्टून, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कोकोमेलन कार्टून्स का, तो वो थीम है और उसके अकॉर्डिंग पूरा स्टेज और जगह डेकोरेट होगी। ये नीचे शीट वगैरह इसलिए बिछाई हुई है सारी प्लास्टिक शीट के, बारिश बार बार हो रही थी और पानी इकट्ठा हो रहा था। ये जो ब्लू शर्ट वाला है, ये है मेरा भाई जिसकी बेटी की बर्थडे है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। अगर किसी ने बर्थडे का इवेंट या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इनका नंबर आपको दे दूँगी। ये ख़ुद ही सारा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि मेरा भाई जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। तो जी ये देख लें आप सारा सेटअप, नीचे कारपेट भी इसी वजह से नहीं बिछाए हुए हैं कि बारिश बार बार हो रही थी तो हमने वो सारा फिर ना ख़राब हो जाना था। तो ये आप देख लें, ये हैंगिंग्स, ये पिंटू स्ट्रीट, पिंटू बेसिकली जो गुले फातिमा है उसका निकनेम है, तो इसलिए आपको जगह जगह पर पिंटू लिखा हुआ भी नज़र आएगा। और एक्चुअली जो बेबी गर्ल का नेम है वो गुले फातिमा है। ये एंट्रेंस पे बलून आर्च लगाई हुई है, ये भी हमारे लड़कों ने खुद ही बनाई थी। ये एक फ्लैक्स एंट्रेंस पर लगाई है पिंटू के नाम की, ये भी खुद ही बनाई हुई है। ये बड़ी सी आर्च जो आपको नज़र आ रही है, ये पूरे स्टेज के इर्द गिर्द लगाई जाएगी बलून्स की, ये भी वहीं पे लड़कों ने तैयार की थी। तो ये देख लें जी, मेरे हीरोज़ तीनों के तीनों वो यहाँ पर बैठ गए। ये बेंचेस लगाए गए थे क्योंकि हैंड पेंटिंग का स्टॉल भी बच्चों के लिए लगाना था, और गोलगप्पों का स्टॉल भी लगा हुआ था। और जो ये देख लें आप, पिंटू स्ट्रीट की एंट्रेंस है, काफ़ी सेटअप लग गया है। ये जो टेबल नीचे शीशे का आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी बलून्स थे। ये फ्लैक्स बनाई थी हमने पिंटू की, इस फ्लैक्स के इर्द गिर्द भी बलून्स की जो आर्च है वो लगेगी अभी। तो ये जी बाउंसीज हैं, 2 बाउंसीज हमने रखवाई थी बच्चों के खेलने के लिए, इसमें भी हवा भरी जा रही है, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बाउंसेस पे खेलने के लिए। और ये जी माशाल्लाह से सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है, मेरे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर खेलते हुए, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप लगा था।
और बच्चों का आप देख सकते हैं फ़न एंटरटेनमेंट पार्ट शुरू हो गया और मदर्स रिलैक्स हो गई थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो सारे के सारे भाग के बाउंसिस पे आ गए थे। और गोलगप्पे रेंट पे नहीं मिलते हैं, गोलगप्पे आपको अपने बाय करने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जी हमारा गोलगप्पों का स्टॉल स्टार्ट हो गया था, अब लाइट्स ऑन हो गई हैं, शाम का टाइम हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं मुझे, मैंने जो गर्ल उठाई हुई है ये है जी हमारी गुल्ले फातमा पिंटू, जिसकी बर्थडे थी, शी टर्न्स अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर, 1 साल की ये हमारी बेबी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इसकी बर्थडे है, अभी आगे आप देखेंगे जी हमारी केक कटिंग की सेरेमनी एज वेल। हाँ जी, तो यहाँ पर ये स्टॉल स्टार्ट हो गया है पेंटिंग वाला, यहाँ पर 14 अगस्त की वजह से हमने ये स्टॉल लगवाया था और बच्चों ने इतने एक्साइटेड हो के इनसे पेंटिंग्स करवाई थी, हैंड पेंटिंग्स, फेस पेंटिंग्स, और अब्दुल्ला ने अपने दोनों हाथों पे जो है वो चांद और सितारा जो है वो पेंट करवाया था। हाँ जी, तो अभी आप देखिएगा अब्दुल्ला की जो चांद और सितारा है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गेस्ट आलमोस्ट सारे आ गए थे, हमें तकरीबन 7 बज गए थे इवेंट को स्टार्ट करते करते ही। वैसे जो प्लान था वो 5 बजे का था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, और अच्छा हो गया लेट हो गया, अब किस मौसम जो था वो थोड़ा सा बेहतर हो गया था लेट हो गए। चलो चलो फिर, चलो चलो उस बार। ऐसा 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 जी, तो केक कटिंग सेरेमनी आने से पहले हमने सोचा हम भी अपने हाथों पर टैटूज बनवा लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए काइंडली, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लाइक लाजमी किया करें, लाजमी, जो जो वीडियो देख रहा है ना अभी वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक कर दे। और अब आगे देखेंगे आप केक कटिंग। इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, it's your birthday, happy birthday, it's a great day, that's what we say, happy birthday to you. Thank you.